सफेद पट्टी से बाहर नहीं रोहतक में व्यापारी और पुलिस हुए आमने सामने। फड़िया रेहड़ी लगाने को ले रेलवे रोड पर हुआ जोरदार हंगामा। जी आपको बता दें, बीते दिन रोहतक प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था के मद्देनजर रोड पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के फरमान जारी करने के बाद आज सोमवार को रोहतक पुलिस एक्शन में दिखी और शहर भर की मार्केटों में फड़ी लगाने वालों की फड़ियां हटवाई गई, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने रेलवे रोड पर सड़क जाम कर दी और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, लगभग एक से डेढ़ घंटे तक व्यापारियों द्वारा नारेबाजी व धरना प्रदर्शन चला। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन है, इस सीजन में ही व्यापार अहम होता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए हम सामान बाहर रखते हैं और सीन लगाते हैं ताकि अच्छे से हमारे सामान की बिक्री हो सके। ऐसे में पुलिस वाले आकर उन्हें तंग कर रहे हैं। दिवाली को देखते हुए पुलिस को व्यापारियों को तंग नहीं करना चाहिए ताकि हम लोग ढंग से व्यापार कर पाए। तो वहीं रोड जाम की सूचना पाकर मौके पर थाना SHO रविंदर कुमार पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिवाली के दिनों में लोग शॉपिंग करने मार्केट में आते हैं और फड़ियां लगे होने की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।